हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, दीन दुनिया की खुशियाँ दे। तो ये मैंने मैदा लिया है आधा किलो, इसको छान लेती हूँ। आज बनाऊँगी मैं हलवा पूड़ी। सुबह का टाइम है तो माशाल्लाह, मैंने कहा मेहमान आए हैं, बच्चे आए हैं, तो इन्होंने फरमाइश की है कि नानो हलवा पूड़ी बना के दे। ये आधा किलो मैंने मैदा ले लिया है, तकरीबन आधा किलो। तो ये बहुत मज़े की घर में बनती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं, साफ़ सुथरा ऑयल होता है। तो ये मैं आधा किलो मैदा ले लिया है, इसको छान लिया अच्छे तरीके से छन्नी में। तो अभी इसमें जो चीज़ें डालती हूँ वो आपके सामने है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ये नमक मैंने डाला है, नमक हसबे ज़रूर डालना पड़ता है, जितनी आपकी मर्ज़ी है। तो कुछ थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा। ये नरम सॉफ्ट रखता है अंदर से पूड़ी को। एक चम्मच भर के घी का डाल दूँगी, इससे भी माशाल्लाह पूड़ी नरम रहती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये मैंने घी डाल दिया चम्मच एक भर के, नॉर्मल पानी से इसको मैं गूँद लूँगी। माशाल्लाह जो आम पानी है, तो ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है घर में साफ़ सुथरी। ये जैसे आम नॉर्मल आटा गूंदते हैं, इसको मैंने गूंद लिया ऐसे ही पानी से। ना ही सख्त रखना है ज़्यादा, तो ना ही नरम ज़्यादा रखना है। लेकिन अगर आप वेलने में बनाते हैं तो इसको सख्त थोड़ा सा रख लें, मैं तो हाथ से बनाती हूँ। ये माशाल्लाह हाथ पे, मैं एक्सपेयर हाथ पे बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। तो ये आटा, आम सा आटा, नॉर्मल मैदा गूंद लेती हूँ, थोड़ा मैं नरम रखूँगी क्योंकि मैं हाथ से बनाऊँगी, तो माशाल्लाह हाथ पे बहुत मज़े की बनती है। रात को मैंने चने बनाए हुए थे, तो मैंने कहा चल बच्चों की फरमाइश, छोटे बच्चों की, तो साथ पूड़ियाँ बना देती हूँ और थोड़ा सा साथ हलवा बना देती हूँ, तो मज़े का घर में हलवा पूड़ी नाश्ता बन जाएगा सुबह के टाइम। तो आप भी घर में बनाएं, साफ़ सुथरे काम, मतलब साफ़ सुथरा पानी डालता है और घर का ऑयल साफ़ सुथरा होता है। तो ये नरम सा आटा गूंद के ऐसे, तो बहुत ही टेस्टी होती हैं, बहुत ही मज़े की होती हैं। हमारे मिठू ने पीछे शोर डाला हुआ है, मैं कहीं आई हुई हूँ तो मिठू ने शोर डाला हुआ है यहाँ पे। मिठू को पता चल जाए कि कुछ चीज़ बन रही है तो फिर वो मांगता है। तो अभी आटा से मैं मैदा गूंद लेती हूँ, पर आप साफ करके अच्छे तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरी माशाल्लाह। ये देखें कोई परात के साथ नहीं लगा, इसको थोड़ी सी मुक्की दे के इसको रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। साथ ही मैं थोड़ा सा हलवा बनाऊंगी, इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर में छोड़ देती हूँ। दरअसल रेसिपी मेरी पूड़ी की है, तो साथ हलवा भी होना चाहिए, तो मैंने कहा साथ हलवा भी बना लेती हूँ। इसको ढाँप के रख देती हूँ तो 5-10 मिनट। तो साथ में चूल्हे पे थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ, इसके पेड़े बना लूँगी इसी प्रांत में, छोटे 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 छोटे, जितने आपको साइज पसंद है, तो इतने इतने पेड़े यहीं पे खुशका डाल के थोड़ा सा इसी प्रांत में जिसमें आटा मैंने गूंदा है। इतनी झंझट बर्तनों की ना हो, इसी में मैंने कहा आटा गूंद के रखा है, इसी में पेड़े बना लेती हूँ। ये छोटे छोटे ऐसे पेड़े मैं बना लेती हूँ, इतने इतने ऐसे सारे पेड़े बना लूँगी। आपका दिल करता है तो बेलने भी पका लें, आपका दिल करता है तो हाथ से बना लें, जैसे आपको आसानी लगती है। तो इतने इतने छोटे छोटे पेड़ गोलू गोलू से बना लेती हैं ऐसे सारे। शुक्रिया बहुत बहुत सबका, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया बहुत। आप लोगों की हमें सपोर्ट चाहिए माशाल्लाह, ऐसे ही करते रहें, सब्सक्राइब लाइक करते रहें। तो माशाल्लाह ये सारे पेड़ ऐसे बना लेती हूँ, साथ में चढ़ाती हूँ चूल्हा चला के, बिस्मिल्लाह, फ्राई पैन चढ़ाती हूँ। इस पे मैंने एक आधा कप सूजी का लिया है, आधा ही कप चीनी का लिया है, थोड़ा सा ही बनाऊँगी, पड़ा रहता है बच्चे खाते नहीं, बस हलवे के साथ पूड़ियों के साथ जो थोड़ा सा एक छोटा सा डोंगा बन जाए। ये आधा कप सूजी का मैंने लिया है और इसमें थोड़ा सा डालती हूँ घी। घी का हलवा बहुत ही मज़े का बनता है और टेस्टी होता है।
तो आधा ही कप चीनी का, आधा कप सूजी का, आधा कप चीनी का। आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो एक कप चीनी का ले लें, एक कप सूजी का। अगर जितनी सूजी लेनी है इतनी मीठे में चीनी भी लेनी है। तो ये सूजी को भून लेती हूँ, साथ मैंने पेड़े बना के छोटे छोटे रखे हुए हैं, वो भी अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे और साथ साथ मेरा हलवा भी बन जाएगा। तो ये सुबह का टाइम है माशाल्लाह, काम करो तो सारे काम हो जाते हैं सुबह के टाइम। बच्चे फरमाइश करें, मैं सुबह के टाइम फौरन बना के बच्चों को दे देती हूँ। माशाल्लाह उन्होंने, बच्चों ने फरमाइश की हलवा पूड़ी की, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ साफ सुथरी घर में बन जाती है। ये मेरा हलवा तैयार हो गया, मैंने हल्का सा एक चुटकी पिंक कलर इसमें डाला है और साथ लगी हुई थी पेड़े बनाने में, मैंने पानी इसमें डाला है थोड़ा सा, सूजी भून के पानी डाल लिया है। तो ये देखें, मैं हाथ से बनाती हूँ, कोई वेलने पे नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे हाथ से। बहुत मज़े की बनती हैं पुड़ियाँ, बहुत ही मज़े की होती हैं, अंदर से जूसी नरम। ये देखें कैसे फूली माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही मज़े की। बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने कहा चल बारिश में तो ये फिर हलवा पूड़ी होना चाहिए। ये देखें फूली फूली हुई और अंदर से भी ऐसी सॉफ्ट नरम माशाल्लाह, ये देखें कैसी फूली फूली बनी है। घर की तो क्या बात है, आधा किलो मैदा मैंने लिया है और कम से कम 10-12 बन जाएगी इंशाल्लाह इसकी। ये देखें कैसी फूली, ऐसी सॉफ्ट रहेगी अंदर नरम जूसी। ये देखें इसको पटा लेती हूँ ऐसी दूसरी साइड भी माशाल्लाह। इसको चेक करें, इसकी लुक चेक करें, बिल्कुल हलवाई जैसी माशाल्लाह, ऐसी नरम माशाल्लाह। मैं तो बनाती रहती हूँ, शबरात वाले दिन बनाती हूँ, जैसे किसी की फरमाइश आ जाए, बच्चों की आ जाए, तो मैं तो बना के देती हूँ माशाल्लाह घर में। ये देखें ये कैसी फूली फूली बनी है और कलर इसका चेक करें, वो भी हाथ पे वेलने पे नहीं। ये देखें माशाल्लाह, ये मैं हाथ पे ही बनाती हूँ। ये देखें मैं दूसरी भी डाली, डालते साथ ही मैंने ऑयल इतना भी नहीं डाला, फिर भी ये कितनी मज़े से फूल रही है माशाल्लाह। ये चेक करें कैसी फूली फूली बनी है। दुकानों वालों का तो ऑयल बड़ा होता है, कितने कितने दिनों का ब्लैक कलर का हो जाता है, जैसे ही पुड़ियों का कलर ब्लैक उनका होता है, बिल्कुल ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन हो जाता है। ये देखिए वाइट वाइट साफ सुथरी, इसलिए कि हमारा ऑयल साफ़ है। तो माशाल्लाह घर की तो कुछ और बात होती है। ये देखें बस आटा गूनने का, मैदा गूनने का होता है, ऑयल पे इस बनाने में तो देर नहीं लगती। ये देखें सॉफ्ट नरम, ये देखें इसको पूरी पूड़ी को मैंने फोल्ड किया है और कोई क्रेक नहीं पड़ा, कोई टूटी नहीं, कैसे नरम सॉफ्ट। ये सारी ऐसे मैंने बना ली, ये देखो कितनी बन गई है। आधा किलो मैदा था ये तो माशाल्लाह, ये चेक करें। बच्चे नाश्ते के लिए सारे रेडी हैं, मैंने दस्तखान पे ये हलवा भी रखा है माशाल्लाह, इतना हलवा बन गया है आधा कप सूजी का। इसमें हल्का सा पिंक कलर मैंने डाला है, ये रात को मैंने चने बनाए हुए थे, तो चनों के साथ तो फिर पूरी हलवा हो तो क्या बात है, और बारिश भी हो रही हो तो सारे बच्चे रेडी हैं नाश्ते के लिए, मैंने दस्तखान भी रखा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं नाना के जा रहे हैं तो मेरे नाना ने बनाया हलवा पूड़ी। मैंने फरमाइश की थी कि हलवा पूड़ी बनाई है, देखिए मेरी नाना ने इतने मजे की बना दी है। ये देखिए इससे कोई दिल भी इतना भारी नहीं होता है बनने का। ये देखिए अमुक तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप जरूर ये ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को मेरे जरूर ये मेरा YouTube पूरे माशाल्लाह मुस्तफ़ा कुकिंग होम, इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। तो ये माशाल्लाह मेरे घर में आया हुआ है, इसने फरमाइश की है कि नानो मुझे आपके पराठे आपकी पूड़ी बहुत पसंद है। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह 10 का टाइम है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये तो मैं सुबह उठ के माशाल्लाह
मैदा पहले गूंदा, ये 2 कप मैदा था, आधा किलो तकरीबन था, तो ये आधा कप आपके सामने ही मैंने सूजी का लिया है। इसमें थोड़ा सा पिंक कलर मैंने डाला, ये रात को मैंने चने बनाए हुए थे, तो 7 चने थे, तो मैंने कहा चलो ये हलवा पूड़ी सुबह के टाइम बना देती हूँ। इसकी फरमाइश थी तो माशाल्लाह ये इसको बहुत पसंद है हलवा पूड़ी। आप देसी फूड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो इसीलिए दें इजाज़त। चले, अल्लाह हाफिज़। तो ये माशाल्लाह देखें कितनी टेस्टी बनी है, कितनी नरम बनी है। ये मैंने हाथ से बनाई है, कोई वेलना नहीं इस्तेमाल किया आपके सामने, और इतनी नरम मुलायम मज़े की। ये देखें कितनी जूसी अंदर से माशाल्लाह। ये देखें मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये माशाल्लाह इतनी मज़े की और इतनी नरम माशाल्लाह। ये देखें ऐसे तो घर की तो बात ही कुछ और होती है, साफ़ सुथरे काम होते हैं माशाल्लाह। ये सारे बच्चे रेडी हुए हैं माशाल्लाह नाश्ते के लिए, तो मैं भी सरप्राइज़ करना देसी फूड वहाँ को, सरप्राइज़ करना, लाइक करना, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, कमेंट बुक में हमें बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और कहाँ से कमेंट बुक कर रहे हैं, कमेंट हमें कहाँ से लिख रहे हैं, हमें कौन सी सिटी से हमें 30 उनके। तो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।